तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन छल्लों के बारे में। देखिए, छल्ले इनको कहते हैं फौलाद के छल्ले। और इसमें आपको फ़र्क क्या दिखाई दे रहा है? फ़र्क यही दिखाई दे रहा है कि इसमें कहीं पर भी कट नहीं है, एक ही धातु से बना हुआ छल्ला, और वो भी स्टेनलेस स्टील का छल्ला। अब ये क्यों स्टेनलेस स्टील का हमने इस्तेमाल किया? आपने मार्केट में तो देखे होंगे जिनमें कट लगा होता है और लोग अपनी बीच वाली उंगली में, मध्यमा उंगली में पहनते हैं, शनि का छल्ला भी जिसे कहा जाता है। पर इन छल्लों में क्या, इन छल्लों का उपाय होता है? देखिए, अगर हम लाल किताब के उपायों के अनुसार बात करें तो जो फौलाद और ख़ासकर चमकदार चीज़, यानी कि चमकदार फौलाद की अगर हम बात करें तो वो देखी जाती है और उपाय में काम आती है बुध के उपाय के लिए। देखिए, आप सीधी सी बात समझ लीजिए, जब इंसान चारों तरफ से मार खाना शुरू कर देना, यानी कि उसकी ज़ुबान उसको हमेशा परेशानी देने वाली हो, अगर वो बिजनेसमैन है तो अपनी ज़ुबान से वो लोगों को अट्रैक्ट ना कर पाए, कहीं एजुकेशन में है तब वो परेशान रहे, अपनी बातों को एक्सप्रेस ना कर पाए, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस डाउन रहे, अपनी बातों को सामने वाले के सामने सही लहजे में ना पेश कर पाए, ज़ुबानी कोई नुक्स हो, कोई किसी तरह से गाली गलौज करता हो या बोलता कुछ और हो और सामने वाला कुछ और समझता हो, तब इस केस में आपको बुध के उपाय ख़ास तौर पर करने हैं, क्योंकि बुध को लाल किताब के अकॉर्डिंग सर्वशक्तिमान माना गया है। क्यों? क्योंकि बुध ही आपकी ज़ुबान है। अगर ज़ुबान ही गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए सब कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए सिंपल सा एक उपाय है, जैसे आप शनि के लिए उपाय करते हो ना, बीच वाली उंगली में पहनते हो छल्ला, उसी तरीके से आपको ये छल्ला ऐसा जो कि चमकदार हो, कहीं से कोई कट ना हो, कहीं से कोई जॉइंट ना हो, एक ही रॉड में छेद करके बनाया गया लेथ मशीन के द्वारा, ऐसा कोई छल्ला आपके यहाँ मिलता है तो आप पहन लीजिए। और पहनना है आपको छोटी उंगली में, चाहे लेफ्ट में पहनिए चाहे राइट में पहनिए, छोटी उंगली में आपको धारण करना है। बाकी आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारियाँ समझ लीजिए, क्योंकि ये बुध के छल्ले के पीछे दुनिया पड़ी हुई है और कहीं ना कहीं गलत छल्ले इस्तेमाल ले लेती है। मार्केट में 10-10, 20-20 रुपये वाले छल्ले पहन लेते हैं, पर थोड़े दिन बाद उनकी कोटिंग उतरना शुरू हो जाती है, अंदर से वो काले निकलते हैं, लोहा होता है क्योंकि उनके ऊपर स्टेनलेस स्टील की कोटिंग की जाती है। अब ये स्टेनलेस स्टील और चमकदार क्यों कहा गया है? क्योंकि लाल किताब के उसूलों के अनुसार, उपाय के अनुसार ये कहा गया है कि जिस कदर तेरा फौलाद का छल्ला चमकदार होगा, उस कदर तेरा बुध चमकेगा। तो अब फौलाद यानी कि लोहा जो शनि का रूप है, और जो चमक इसमें दी गई वो चमक बुध के लिए दी गई, जो कि क्रोमियम होती है, क्योंकि 10% के आसपास क्रोमियम डाली जाती है तभी वो स्टेनलेस स्टील बनती है। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है जंग ना लगना, जंग रहित, कभी भी जंग ना लगना, उस पर कभी भी रस्ट ना लगना। तो अगर रस्ट लगेगा, जो रस्ट होता है वो राहु होता है, और राहु रस्टी चीज़ें जब आप पहनोगे या घर में पड़ी होंगी तो नुकसान ही देंगी। इसीलिए स्टेनलेस स्टील ऐसी स्टील जो कि कभी ख़राब ना हो, कभी उसका रंग ना चेंज हो, और आपके बुध के एक्चुअल उपाय आपको मिलते रहें। अब इसमें कट क्यों नहीं लगाए वो समझिए। देखिए, बुध हमेशा गुलाई को रिप्रेजेंट करता है, गुलाई जो कि कहीं से भी कट ना हो, कहीं से भी कोई ख़राबी ना हो। अगर कट होगा तो वो बुध का छल्ला नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक रॉड है, कट कर दी आपने, गोल कर दी और बना दी पत्ती की तरह, वो काम नहीं करेगा। उसको शनि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मध्यमा उंगली में पहनते हैं लोग शनि की दशा में या साढ़े सती वगैरह में, उस समय पहनो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर बुध का ही आपको स्पेसिफिक उपाय करना, देखिए हर एक चीज़ के लिए एक ही छल्ला नहीं काम करता है, हर एक उपाय के लिए कहीं ना कहीं लॉजिक्स बदल जाते हैं, हर एक उपाय के लिए कहीं ना कहीं तरीके बदल जाते हैं। अगर सही तरीका इस्तेमाल करोगे तो सही रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं तो फिर वही के वहीं धाक के तीन पात। तो यहाँ पर समझिए, जो ये स्टेनलेस स्टील है, अब ये स्टेनलेस स्टील देख लीजिए कितना चमकदार होता है, और चमकदार ही चीज़ आपके बुध के आपके काम आएगी। ये स्टेनलेस स्टील रॉड होती है, पूरी मशीन में डाल के छेद किया जाता है उस रॉड में, फिर वो छल्ले तैयार कर दिए जाते हैं। इसका वज़न कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे स्टेनलेस स्टील के छल्ले पहनोगे तो दसों साल पहन के रखिए, उसका रंग कभी नहीं बिगड़ेगा। और जो मार्केट में 10-10, 20-20 वाले पहन लोगे ना, वो महीने बाद ही अपनी औकात दिखा देंगे, उनकी चमड़ी उतर जाएगी, तो वो फिर आपका पहना हुआ छल्ला आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान ही देगा। बुध को सही करना है, बुध सबसे शक्तिमान माना गया है, ज़ुबान आपकी बुध है,
अगर आपको कहीं बुध के नुक्स हैं, जैसे दांतों, नसों, नाड़ियों में कहीं दिक्कत, आपकी ज़ुबान थुलथुलाती है, आप हकलाते हो या तुतलाते हो, आप सामने वाले को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, आप कहीं जॉब करते हो, आपकी ज़ुबान की कोई वैल्यू नहीं है, गधे गधे लोग आगे बढ़ गए हैं, आप वहीं के वहीं अटके हो, क्योंकि आप सामने वाले को, अपने हायर अथॉरिटीज़ को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते हो। आप बिजनेसमैन हो, आप अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, सारी जानकारी वो आपसे लेता है और परचेज़ कहीं और से करता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें हैं कि आपको लगता है कि एक्चुअल में मैं उस ढंग से सामने वालों को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, नहीं कन्विंस कर पा रहा हूँ, तो समझ लीजिए आपका बुध ख़राब है। बुध ख़राब होगा तो दांतों की प्रॉब्लम होगी, पैसा इंसान नहीं जोड़ पाएगा, कहीं फाइनेंशियल लेन देन में गलतियाँ करेगा, कहीं पर अगर शेयर मार्केट में है तो बुध का सब लेना देना है, मार्केट जितनी भी है, पैसों का लेन देन जितना भी है, सब बुध से लेना देना है। अगर बुध ही सही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप सिर्फ मेहनत कर पाओगे, वो मेहनत होती है शनि। और जब शनि, यानी कि शनि का मित्र बुध है, और जब शनि की अगर हम बात करें तो शनि है चुस्ती और चालाकी, और बुध है आपका दिमाग। जब दिमाग को चुस्ती और चालाकी, यानी कि शनि का साथ प्राप्त होगा ना, ये फौलाद जो है शनि है और गोलाई बुध है, ये है इसका लॉजिक, तभी आपका बुध भी चमकेगा और आपकी अकल भी काम करेगी सही समय पे, सही, जिसे कहते हैं सही निशाना लगाने लायक आप सूझबूझ से इंसान बन जाओगे। सिंपल सा तरीका है, आप देखिए शरीर पे पहनते बहुत कुछ है, तो एक बार एक छल्ला आप सिंपल सा पहन के देखिए आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा। देखिए बहुत लोगों को फ़ायदा मिला है। अब ये छल्लों की बात की जाए तो बुध के छल्ले जिन्होंने एक्चुअल में सही ढंग से पहने, उन्हें फ़ायदा मिला है, और वो जानते हैं कि उनको कितना फ़ायदा मिला। दिमागी परेशानियाँ दूर हो गई, रात को नींद नहीं आती थी, गुस्सा कारण आता था वो कंट्रोल हो गया, पैसों के लेन देन में समझ बूझ आ गई, बहुत सी जीवन में परेशानियाँ दूर हो गई बुध के कारण। अब इसको पहनना कैसे है, देखिए पहनने का सबसे ढंग से तरीका समझ लीजिए, क्योंकि यही हम गलती कर देते हैं। सिंपल सा एक तरीका समझिए कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं या हम कुछ भी करते हैं तो एक भोग लगाया जाता है। भोग किस लिए लगाया जाता है, यानी कि भोग का अर्थ ये है कि अगर प्रभु को हमने कोई चीज़ चढ़ा दी तो उसकी, जिसे कहते हैं ना कि अगर वो चीज़ जहर भी है तो वो जहर भी आपके लिए अमृत बन जाता है। अब जहर क्या है, बुध आपके जीवन में जो जहर घोल रहा है, बुध संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, बुध की कारक वस्तु छल्ला, आपने एक छल्ला लिया, सबसे पहले तो आप कहीं मंदिर वगैरह में इसको किसी मूर्ति के आगे या शिवलिंग के आसपास या दान पात्र में ही आप चढ़ा के आइए और वहीं बैठ जाइए, और बुधवार का दिन चुनिए या शनिवार का दिन चुनिए और आप पहन लीजिए वहीं बैठे बैठे। इससे क्या होगा, आपका बुध सही स्थान पे पहुंच गया, धर्म स्थान में, जहां पर वो शुभ हो गया, और शुभता प्राप्त करने के लिए आपने इसको पहन लिया। अगर आप मंदिर वगैरह नहीं जाना चाहते हो या फिर मंदिर कोई दिक्कत है या आप नहीं जाते हो, तब सिंपल तरीका है कि आप ले जाओ एक छल्ला और ले जाके आप जलप्रवाह कर दो और वहीं खड़े खड़े दूसरा पहन लो। दिन रहेगा बुधवार या शनिवार, और दिन का समय यानी कि 12, 1, 2, 3 इसके आसपास आप पहनिए, सबसे बढ़िया। और पीक टाइम अगर हम बात करें तो 12 से 2 बजे का है, इस टाइम पे पहनिए, और आप पहनिए, फीडबैक मुझे दीजिए कि किस तरह से आपके जीवन में बदलाव आ गए। अगर आपको ये छल्ले मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इस तरीके से आपको 2 छल्लों का ही सेट लेना है, कई जगह मिलते हैं कई जगह नहीं मिलते हैं, कई लोग लोहे के पहन रहे हैं जो कि आपको पता ही है लोहा किस रंग का होता है, अगर पहने होते हैं काला काला सा रंग का होता है, वो नहीं पहनना है, कोई फ़ायदा नहीं है। आप शनि के उपाय के लिए भी ये छल्ले पहन सकते हो, क्योंकि ये इसमें फौलाद है, और जब शनि के दोष दूर करने तो बुध ऑटोमेटिकली वहाँ साथ में आके आपके जीवन में से परेशानियाँ सही कर देगा। चाहे साढ़े सती है, चाहे बुध राहु का योग है, चाहे बुध केतु है, चाहे बुध आपका खाना नंबर 3, 8, 9, 12 में है, या फिर बुध राहु का, देखिए वो ये छल्ले पहनने के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है। आपके पास कुंडली है तब भी आप पहन सकते हो, नहीं भी है तब भी आप आँख बंद करके पहन लो, गारंटी इस बात की है कि आपके जीवन से बुध संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।